हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एलईडी बल्ब रिपेयर कैसे किया जाता है। आप ये जो सामने देख रहे होंगे, ये एलईडी प्लेट्स पड़ी हुई हैं। ये 220 की डायरेक्ट एलईडी प्लेट्स हैं। 18 वाट तक के बल्ब में ये आराम से बेहतरीन रहती हैं। ये अच्छी वाली हैं, इसमें हल्की वाली भी आती हैं, वो थोड़ी सी हल्की होती हैं। ये जो देख रहे हैं, ये पीसीबी के ऊपर लगती है, मतलब कि 180 ये ऐसे वोल्ट पे चलती है। ये सर्किट के ऊपर लगती है। ये जो बल्ब है आज जिसको हम रिपेयर करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी नहीं जल रहा है। ये देखें, अभी ये मैंने लगाया है और ये नहीं जल रहा है। कनेक्शन लगे हुए हैं इसके, बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है ये। अब मैं इसको निकाल के रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब इसको रिपेयर करना कैसे है। अब ये देखें, ये जो है ये इसका सर्किट है जो इसके अंदर लगा हुआ होता है। सर्किट ये छोटा सर्किट है, तकरीबन 15 से 18 वाट का, और 12 वाट में भी चलता है ये। 12 15 18 में ये सर्किट चलते हैं। और इसमें देखें, आप चीज़ें देखें, इसमें ये प्लस माइनस है इसके, और नीचे वाले 220 वाले हैं, वाइड वाले जो हैं, दोनों 220 हैं। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है एक। देखें, हम नीचे से चेक करें, इसके पॉइंट चेक करें, बहुत ही सिंपल बना हुआ है, बहुत ही सिंपल। ये देखें, ये 220 वाली प्लेट है जो आपको आसानी मार्केट से मिल जाती है। आप अपना घर बैठे खुद ही इसको रिपेयर कर सकते हैं बल्ब को, चाहे 12 वाट का हो, 18 वाट का हो, 15 वाट का हो, या बड़े से बड़ा हो। अगर बड़ा बल्ब है तो आप उसमें ये दो लगा सकते हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर जाएगा, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है और हमारा बल्ब कैसे रिपेयर होता है। ये देखें, ये सेवर है जो पहले ज़माने में चलते थे, अभी भी चलते हैं, मगर इसकी अब रनिंग इतनी नहीं है जितनी ये पहले चलते थे, क्योंकि अब एलईडी बल्ब ने इसकी जगह छीन ली है। क्योंकि 25 वाट के थे और 12 वाट का बल्ब और 25 वाट का सेवर एक ही जितना रोशनी देते हैं। अब देखते हैं, अब हम इसको खोलते हैं और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या ख़राबी आई है। ये देखें, मैंने खोल दिया है। अब आप देखें, इसकी दो एलईडियां जो आपको सामने दिख रही हैं ये बिल्कुल जली हुई हैं। अगर हम इसको निकाल देते हैं या इसकी बदले में कोई दूसरी ही ऐसी ही बिल्कुल सेम लगा देते हैं जैसे आपको सामने दिख रही हैं, ये ऐसे ही लगा देते हैं, तो ये बल्ब बिल्कुल ऑन हो जाएगा, बिल्कुल न्यू हो जाएगा। ये देखें, पहले से इसमें जॉइंट लगे हुए हैं दो, मतलब कि डायरेक्ट करा हुआ है इसको, क्योंकि सीरीज़ में होता है, ये सीरीज़ में होता है, दोनों अभी दोनों को डायरेक्ट करा हुआ है बल्ब, तो जब भी ख़राब हो गया है अभी। अब देखते हैं इसमें चने, मैंने वो भी निकाल के इसको डायरेक्ट कर दिया है, कि मेरे पास इसकी थी नहीं, मगर अगर एलईडी होती तो मैं आपको एलईडी लगा के दिखाता, अब डायरेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा कि ये ऑन हो गया है, बेसिकली ये बिल्कुल ठीक हो गया है, मगर अब इसकी परफॉर्मेंस वो नहीं आएगी जैसे पहले थी। इसकी रोशनी भी थोड़ी सी कम हो गई होगी, क्योंकि 5 एलईडियां 6 एलईडियां इसमें कम हो चुकी हैं, और इसकी लाइफ भी कम होगी। इसलिए ये देखें, आपके सामने है, ये आपके सामने चल चुका है, ये इसकी कुछ एलईडियां नहीं जल रही जो हमने ख़राब करके उसको डायरेक्ट कर दिया था, वाली एलईडियां नहीं जल रही और दूसरी एलईडियां चल रही हैं। इसमें ये होता है कि वोल्ट थोड़े से डिवाइड हो जाते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। अब ये देखें, अब मैंने इसको खोल दिया है बल्ब को। अब ये देखें, इसकी कैसिंग है ये, और वो उसकी हीट सिंक थी। अब हमने बिल्कुल बल्ब को खोला हुआ है। ये देखें, इसके अंदर से सर्किट निकला है, इसी बल्ब का सर्किट है। ये 28 वाट्स का एलईडी बल्ब है। ये देखें, अब मैंने एलईडी बल्ब दोनों का कनेक्शन कर दिया है, जैसे मैंने आपको बोला था, दोनों के माइनस माइनस प्लस प्लस को मिला के आप उसमें डायरेक्ट 20 ऐड कर दीजिए। डायरेक्ट 20 लगा दिया है इसके अंदर और इसके कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। अब मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा कि इसकी रोशनी, और मतलब कि आपको चला के दिखाऊंगा कि
ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, देखें आपके सामने ऑन हो चुका है। बहुत तेज़ चल रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था 18 वाट में भी एलईडियां लगती हैं। इन एलईडियों की प्राइस तकरीबन 50 से 60 रुपए है, होल सेल में रेट बता रहा हूँ। अगर आप रिटेल में लेंगे तो 70 से 80 रुपए की एलईडियां मिलेंगी। देखें हमारा एलईडी बल्ब 28 वाट का रिपेयर हो चुका है, बेहतरीन रिपेयर हो चुका है। हमने इसके ऊपर केसिंग भी लगा दी है और मैंने ये निकाल दिया है। देखें ये बल्ब बहुत माशाल्लाह से बेहतरीन तेज़ जल रहा है। सिर्फ दो एलईडियां इसके अंदर लगी हुई हैं और 18 और आपका 28 वाट का बल्ब बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन चुका है। इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।